तो आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली वापस। रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 8। बस हम लोग 10-15 मिनट में निकलेंगे। होप सो टाइम से पहुंच जाए दिल्ली। मिस करेंगे यार। चलो मिलते हैं आगे सफर में आपके साथ। अथर, कहाँ चल रहे हैं वापस हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? तब नानी दादी, हम लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जाना भी जरूरी है। जाओ खुशी खुशी जाओ, आशीर्वाद है। तकलीफ हो रहा है, शादी के बाद बेटियां ऐसी हो जाती हैं। हैं? तो अथर जा रहे अपने पापा के पास। आर यू हैप्पी अथर? लेकिन क्या करे, अथर का स्कूल ओपन होने वाला है, समर वेकेशन खत्म होने वाला है। अच्छा वेट वेट वेट, तो भैया सामान भी पैक हो चुका है। गुल्लू को जगाऊं? बेटा गुल्लू मेरे जगाने से नहीं जगेंगे, बेटा गुल्लू खुद से जगेंगे। जाओ बोलो मामा जगो, वेक अप मामा, वेक अप, जाओ बोल के आओ। मैं नहीं जाने वाली। तुम क्या होता है? हाँ वेरी गुड, बी अ जेंटलमैन। कपड़े मत गंदा करो अभी भैया, लंबा सफर है, कपड़े मत गंदा करो। तो फिर तो रास्ते की तैयारी हो चुकी है, टकाटक कुरकुरे स्नैक्स सारे आ चुके हैं, और हमारा स्प्राइट भी आ चुका है छोटू सा, वो रखाएगा यहाँ। अथर्व की फ्रूटी आ चुकी है, अथर्व फ्रूटी पी चुके हैं। तो हैप्पी जर्नी टू अस। चलिए चलिए चलते हैं हम लोग। बाय बाय गोरखपुर, वी मिस यू। अथर्व आप मिस करोगे नाना नानी के घर को? कितना मिस करोगे? टू टाइम। और फिर कब वापस आना है नानी के घर? गाड़ी से। गाड़ी से आना है। अब हम लोग मामा की दुल्हनिया लेके आएंगे। हाँ। जब दिल्ली से निकलते हैं तब नहीं फील होता है, तब लगता है घर जा रहे हैं, पर जब यहाँ से जाते हैं तब फील होता है। कितना खूबसूरत बना दिया। नहीं कौन सा चौराहा है नितिन? छात्र संघ। हाँ सेंट एंड्रयू चौराहा है, देखो कितना सुंदर बना दिया। इधर भी फाउंटेन है नितिन, पर सही से कहाँ निकल रहा है, गंदा कितना पानी निकल रहा है उसमें से। भैया जिसके घर आम का पेड़ है उसके घर आम दिख रहा है, हम तो आम देख देख के परेशान है। दिल्ली में देखने को मिलता नहीं है ना। अरे आप क्या करने जा रहे हैं? लेने जा रही हूँ। चाय वाले के पास जा रहे हैं।
प्लीज। हाँ जा सकते हो, बस चप्पल पहन के जा सकते हो। आई लव बस्ती। तो बस्ती में है बीटेक चाय वाला, हम लोग पहुंच चुके हैं बस्ती। अथा वेट, कार बंद है, चलो इधर चलो सीधे। बहुत सुंदर लग रहा है ना, देखो कैमरा लाती लाइट ब्लिंक करने लग रहा है, अदरवाइज ऐसे नहीं ब्लिंक कर रहा है। जब कैमरे में ये लाइट कब दिख रहा है तो लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है, अदरवाइज ऐसे नहीं कर रही है। सुहाना है मौसम, बस्ती का मौसम है सुहाना। तो फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, चाय है बहुत गर्म और खुशबू आ रही है बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो चाय तो बहुत ही टेस्टी थी, तो चाय पी के फटाफट हम लोग बस्ती से आगे निकल गए और शुरू हो गई बारिश। यार इस बारिश का वेट गोरखपुर में था तब नहीं हुई और अब ये शुरू हो गई है बारिश। फिर भी अच्छा ही है, सफ़र बहुत सुहाना हो जाएगा बारिश के साथ। चलते हैं गुनगुनाते हुए बारिश में। बाबू एक मतलब विंडो नीचे करना, विंडो नीचे करना, विंडो नीचे करना, क्या बोलियो, विंडो अनलॉक करना, बारिश अंदर आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। इस बारिश का वेट हम लोग क्या हुआ, दबा दिया बेटा। कहाँ पे आए हो अथर, कुछ खाओगे? ठीक है, पिज्जा? नो पिज्जा, यहाँ पिज्जा नहीं मिलता है, क्या मिलता है? यहाँ मिलेगा वेजिटेबल सैंडविच, खाओगे आप? चलो ठीक है। ऊपर अंधेरा है क्या? हाँ ऊपर अंधेरा है। अथर नहीं, अब केक नहीं खाओ। फाइनली हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और हम लोग का गोरखपुर का सफ़र हो चुका है ख़त्म और पहुंचने वाले हैं 2 घंटे में दिल्ली और फिर से अपने डेली रूटीन पे आने वाले हैं हम। बस ये लास्ट एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे, फिर हम लोग पापा के पास है ना था। हाँ तो हम लोग मिलते हैं पापा के साथ और आपसे सुबह मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।